हेलो गाइस, मेरा नाम शिराज है और आप देख रहे हैं शिराज कार एंड बाइक्स। तो मैं एप्सो सेंटर पे आया हुआ था ऑटो शो देखने के लिए। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, तो आपने वीडियो भी देखा होगा। ये ऑटो शो के अंदर जाते हैं और देखते हैं आप गाड़ियां कौन कौन सी आई हुई हैं। ये है ऑटो शो की एंट्रेंस। अंदर दाखिल होती है आपको ये टोयोटा की गाड़ी मिलेगी, जो कि करोला सीरीज की गाड़ी है। इस गाड़ी को टोयोटा वाले ने खोल के रखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और खुलने के बाद ये गाड़ी कैसी लगती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि साइड पे होंडा वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं होंडा स्विक, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। तो ये है होंडा BRV, जो कि अभी पिछले साल ही पाकिस्तान में आई है। ये है होंडा CRV, जो कि अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अब इसका रिव्यू का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। CRV के बाद अब हम टोयोटा की तरफ आ गए हैं। तो ये आप टोयोटा की वो गाड़ी देख सकते हैं, जिसे एक हफ्ते पहले पाकिस्तान में रीलॉन्च किया गया है इसके इंजन की तब्दीली के साथ, और कुछ न्यू फीचर भी इस गाड़ी के अंदर डाले गए हैं, तो आप देख लें इसका भी वीडियो।
रिवो के बाद ये फॉर्च्यूनर डीजल वेरिएंट है जो कि 1 मार्च को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। वैसे इस गाड़ी का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है तो आप वो रिव्यू भी देख सकते हैं। तो फॉर्च्यूनर के बाद आप ये टूटा ग्रैंडी देख सकते हैं। तो टूटा ग्रैंडी के बाद हम चलते हैं होंडा की बाइक की तरफ। तो आप ये होंडा की 500cc बाइक को देख सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। सीसी बाइक के बाद आप होंडा की CB250F को भी देख सकते हैं जिसे होंडा वालों ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में लॉन्च किया है। ये बाइक भी दिखने में प्यारी है लेकिन इस बाइक की प्राइस ज्यादा है। Oh,
होंडा की दो बाइक्स के बाद आप ये क्राउन की बाइक देख सकते हैं। ये भी दिखने में काफी ज्यादा प्यारी बाइक है। तो क्राउन की बाइक के बाद आप ये ऑटो रिक्शा देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा इसे भी वीडियो में डाल देते हैं, कोई ना कोई तो देखेगा इसे भी। ऑटो रिक्शा के बाद आप ये ट्रैक्टर भी देख सकते हैं। ये भी पाकिस्तान और इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। खेती बाड़ी तो इसी से होती है, तो इसे भी वीडियो में शामिल कर लिया गया है, आप देख लें। तो अभी पहला हाल खत्म हो चुका है, अभी दूसरे हाल में जाते हैं। तो दूसरे हाल में एंटर होती है आपको सुजुकी का स्टॉल नजर आता है, जहाँ पे सुजुकी की आपको बाइक्स भी नजर आ रही हैं और सुजुकी गाड़ी भी नजर आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं सुजुकी इनज़ुमा, जो काफी अच्छी बाइक है। तो सुजुकी इनज़ुमा के बाद सुजुकी GR 150 के बारे में बात करते हैं। GR 150 के बाद आप सुजुकी की 800cc की बाइक देख सकते हैं। ये भी GR 150 के साथ ही लॉन्च की गई थी। तो बाइक के बाद चलते हैं सुजुकी सियाज की तरफ, जो कि पिछले साल पाकिस्तान में लॉन्च हुई है।
सुजुकी सियाज के बाद चलते हैं सुजुकी विटारा की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट गाड़ी है सुजुकी की। यार बहुत ही प्यारी शेप है इस गाड़ी की, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सुजुकी विटारा के बाद आप देख सकते हैं सुजुकी कल्टस ऑटोमेटिक। तो सुजुकी की गाड़ियों के बाद हम चलते हैं DFS की तरफ, जो कि प्रिंस कंपनी के साथ मिलकर पक्ष में गाड़ियां बेच रहे हैं। ये आप इनकी भी दो गाड़ियां देख लो, एक 11 सीटर है, दूसरी 7 सीटर है। आप इन्हें मिनी वैन भी कह सकते हो, या जिस तरह पक्ष में कहते हैं कैरी डब्बा, तो आप कैरी डब्बे भी कह सकते हो। ये आपकी मर्जी, आपने क्या कहना है। तीन गाड़ियों के बाद चलते हैं वेस्पा स्कूटर की तरफ, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर का मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो आप वो रिव्यू देख सकते हैं।
वेस्पा स्कूटर के बाद आप देख सकते हैं एप्रेलिया 900 सीसी की बाइक, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बाइक है। ये आप एक प्रिंस की बाइक भी देख सकते हैं, जो कि टूरिंग के लिए लॉन्च की गई है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो आपने वीडियो देख ली है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप इस तरह का मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट करके मुझे शाबाश भी दे सकते हैं। करनी तो आपने अपनी मर्ज़ी है, लाइक और शेयर कर दोगे तो अच्छा ही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।